चोर तो आप लोगों ने अनेक प्रकार के देखे सुने होंगे, लेकिन साहगढ़ क्षेत्र में अज्ञात चोर खतरों के खिलाड़ी बनकर विद्युत विभाग का सरदर्द बने होने के साथ उपभोक्ताओं की भी रातों की नींद उड़ाने के साथ दिन का सुकून छीन रहे हैं। चोरों का काम तो बस एक ही है, राम राम जपना, पराया माल अपना, लेकिन साहगढ़ क्षेत्र में ये चोर खतरों के बादशाह बने हुए हैं। विद्युत विभाग की नाक में दम करके आम विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियों का कारण बने हुए हैं। ट्रांसफार्मरों में तेल चोरी की वारदातें अब साहगढ़ नगरीय क्षेत्र में सागर रोड पर दूध डेयरी के पास हाल ही में हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम धवारा मुख्यालय बराठा में अज्ञात चोरों के द्वारा 1 किलोमीटर लाइन का पूरा तार चोरी कर 6 खंभे भी तोड़ दिए गए हैं, जिस कारण ग्राम धवारा में लगभग 200 उपभोक्ताओं और रिलायंस जियो टावर की सप्लाई बंद है। विद्युत वितरण केंद्र सहायगढ़ के संपूर्ण तहसील क्षेत्र में विद्युत तार चोरी एवं विद्युत ट्रांसफार्मरों के तेल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पूर्व में भी कई ट्रांसफार्मरों के तेल चोरी हुए थे, जिस संबंध में संबंधित थाना क्षेत्रों को सूचित किया गया था। वर्तमान में आज दिनांक 15 तारीख को ग्राम धवारा की लगभग 1 किलोमीटर की लाइन के विद्युत तार चोरी हो गए हैं, साथ ही 6 खंभे तोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार आज दिनांक 15 तारीख को ही सायगढ़ के सागर रोड पर भी दूध डेयरी का विद्युत ट्रांसफार्मर का तेल चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा किया गया है। इस तरीके की घटनाएं संपूर्ण क्षेत्र में लगातार हो रही हैं। समस्त सम्मानीय उपभोक्ताओं एवं किसानों से अनुरोध है कि अपने घरों के आसपास लगे हुए ट्रांसफार्मर पर निगरानी बनाए रखें, सतर्कता बरतें, ताकि ट्रांसफार्मर के तेल चोरी होने से बचा जा सके एवं होने वाली असुविधा से भी बचा जा सके।